Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में आए हैं. पॉलिटिकल साइंस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है. सो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए CTET, TGT, PGT पोस्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप रेलवे, बैंकिंग, CDS, SSC, तो अगर आप किसी भी तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के जो MCQs है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. तो जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करती रहूंगी पॉलिटिकल साइंस पे, तो सीरीज में जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ेगा, ये जो लेवल है MCQs का वो डिफिकल्ट होता जाएगा. तो सबसे पहले मैं ईजी MCQ आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि जो आपका लेवल है वो धीरे धीरे बिल्टअप हो जाए इस सब्जेक्ट में. अगर आपने पहले भी MCQ किए हैं या फिर आपको अगर ये सब्जेक्ट अच्छे से नहीं भी आता है तो डोंट वरी, जैसे जैसे मैं MCQ आपको करवाती जाऊंगी आपके पूरे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे. और इसमें टोटल 50 MCQs हैं. अगर आपने 50 में से 35 MCQ अगर सही कर लिए, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ गुड ट्रैक. बट अगर नहीं भी कर पाए, इट्स ओके. जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं किसी और सब्जेक्ट पे भी MCQ सीरीज अपलोड करूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं ट्राई करूँगी कि उस सब्जेक्ट पे भी जितना जल्दी हो सके MCQ सीरीज अपलोड करूँ. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 1, इंडियाज फर्स्ट PM, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री. आई विल यूज़ बोथ द मीडियम ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना हो. अब यहाँ पर सबको पता है इसका आंसर. सेकेंड पार्ट है जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जो है 17 ईयर्स यानी कॉन्टिन्यूसली 17 साल इंडिया के PM रह चुके हैं और उनका रिकॉर्ड आज तक कोई भी PM जो है वो तोड़ नहीं पाए हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज़ फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि इंडिया के पहले राष्ट्रपति. ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है. इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इंडियाज़ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी कि इंडिया के पहले उपराष्ट्रपति. इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. अब बाकी के पार्ट्स रीड कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 1 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज. जो पहला आर्टिकल है संविधान का वो इंडिया को कैसे डिक्लेयर करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी एक ही इंडिया का पार्ट है, यूनाइटेड है. वो कभी भी सक्सेशन की डिमांड यानी अलग होने की डिमांड नहीं रख सकते हैं. नंबर 5, द यंगेस्ट PM ऑफ इंडिया वॉज, कि कम उम्र के जो प्रधानमंत्री इंडिया में रहे हैं. तो इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, राजीव गांधी. राजीव गांधी जो है इंदिरा गांधी के बेटे थे. जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन यानी उन्हें जब मरवा दिया गया था तो उसके बाद राजीव गांधी जब PM बने वो सिर्फ 40 साल के थे. क्वेश्चन नंबर 6, द इंडियन पार्लियामेंट यानी कि जो भारतीय संसद है वो कितने हाउसेस से बना है. तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट यानी कि 2 हाउसेस. लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं और अपर हाउस को राज्यसभा, और इन दोनों हाउसेस को मिला के बोला जाता है पार्लियामेंट यानी कि संसद. क्वेश्चन नंबर 7, फंडामेंटल राइट्स आर मॉडल्ड ऑन डैश कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो इंडिया में मौलिक अधिकार हमने संविधान में डाले हैं वो कौन सी कंट्री से देखकर या किस संविधान से देखकर हमने अपने संविधान में डाले हैं. तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, अमेरिका. अमेरिका ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया था. क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद भारत के ये जो पोस्ट है गवर्नर जनरल वो सबसे पहले किसे मिली थी. तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में और पहले जो गवर्नर जनरल बने हैं वो ब्रिटिशर थे. तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, लॉर्ड माउंटबेटन. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9 है इसमें हमेशा बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है देखे गए हैं एग्ज़ाम में. अगर आपको गवर्नर जनरल के आगे इंडियन लिखा है कि ऐसा कोई इंसान जो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे आया जो भारतीय था, तो फिर आपका आंसर होगा यहाँ पर थर्ड पार्ट, राजा गोपालचारी. बट अगर इंडियन नहीं होगा, अगर लिखा होगा ब्रिटिशर या फिर मैंशन ही नहीं होगा, तब आपने लॉर्ड माउंटबेटन करना है. बट अगर कोई आपको वहाँ पर इंडियन मैंशन करे तो आपने राजा गोपालचारी करना है. और राजा गोपालचारी पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे क्योंकि इसके बाद ये इंडिया में पोस्ट ही बैन हो गई, क्योंकि इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट जो थी वो हमने बैन कर दी और जो भी गवर्नर जनरल की पोस्ट का काम होता था वो हमने सब प्रेसिडेंट को दे दिया यानी कि राष्ट्रपति को दे दिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री. तो ये भी सबको ऑलमोस्ट आंसर पता ही होगा. सेकेंड पार्ट है इंदिरा गांधी. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इंडिया में सिर्फ एक ही सिख प्राइम मिनिस्टर अभी तक रहे हैं और उनका नाम भी सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा,
फोर्थ पार्ट है मनमोहन सिंह, तो जो बने हैं 2004 से लेके 2014 तक, यानी कि 10 साल जो है मनमोहन सिंह इंडिया के पीएम रह चुके हैं। और मनमोहन सिंह जिस पार्टी से थे वो उस पार्टी का नाम भी आप लोगों को पता ही होगा, कांग्रेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द बेस ऑफ इंडियन एम्बलम स्टैंड, तो इंडियन एम्बलम की पिक्चर जो है मैंने साइड में लगा दी है। इंडियन एम्बलम आपने जो है नोट्स पे बना हुआ देखा होगा, तो इस पे कितने लॉयंस होते हैं, इसका आंसर है थर्ड पार्ट, 3 लॉयंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मोटो इंस्क्राइब्ड अंडर इंडियन एम्बलम, ये जो इंडियन चिन्ह है इसके नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं वो हमने बताने हैं, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, सत्यमेव जयते। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन पार्लियामेंट कंप्राइज ऑफ, कि भारतीय संसद जो है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो ये अभी हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा दो हाउसेस के बारे में पूछे तो आपने वही टिक करना है, बट अगर आपको एक और ऑप्शन दिया प्रेजिडेंट तो आपने प्रेजिडेंट को भी टिक करना है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है तीन चीज़ों से बना हुआ है, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड वाइल इन ऑफिस, तो इंडिया के ऐसे राष्ट्रपति जिनकी डेथ उनके ऑफिस में ही हुई थी हार्ट अटैक से, तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो इंडिया के तीसरे राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड इट्स पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम, कि भारत के अंदर जो संसदीय प्रणाली है कि यानी कि जो पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा, ये जो सिस्टम है हमने कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है यानी कि बोरो किया है, इसका आंसर है सेकंड पार्ट यानी कि यूके, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से हमने ये कॉपी करके लिया है पार्लियामेंट सिस्टम, उन्होंने फर्स्ट ओरिजिनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, वहाँ से हमने देख कर अपने इसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 17, हु प्रेजेंट्स द बजट इन द लोकसभा, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस में जो बजट होता है एक साल का, कि सरकार कौन सी सेक्टर में कौन सी फील्ड में कितना पैसा लगाने वाली है, तो ये हर साल बजट पेश किया जाता है। इस बजट को कौन पेश करता है, सेकेंड पार्ट है, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री, अभी जो इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है, निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर, राष्ट्रपति जो है एक बार चुने जाने के बाद कितने टाइम पीरियड तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, 5 ईयर्स, यानी कि थर्ड पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, राज्यसभा शुड नॉट हैव मोर देन, कि राज्यसभा जो कि एक अपर हाउस है उसमें कितने मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर है 250 मेंबर्स, तो 250 मेंबर्स से ज़्यादा जो है राज्यसभा मेंबर्स नहीं हो सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा मेंबर मस्ट नॉट बी बिलो, कि कितनी एज होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, तो फर्स्ट पार्ट है 30 ईयर्स, अगर कोई भी 30 साल से कम है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता है, तो ये क्राइटेरिया भी कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा जो कि अपर हाउस है उसके हेड को चेयरमैन बोलते हैं, तो कौन होता है चेयरमैन, चार ऑप्शन गिवन है आपके पास, तो इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, वाइस प्रेजिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा मेंबर मस्ट बी अबव, जो लोकसभा के मेंबर बनने की एज है वो है थर्ड पार्ट यानी कि 25 ईयर्स, 25 ईयर्स का अगर पर्सन है तो वो मेंबर बन सकता है लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 23, नॉर्मल टेन्योर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का मेंबर एक बार चुने जाने के बाद तो उसका टेन्योर कितना होगा उस पर्सन का, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स तक जो है वो पर्सन लोकसभा का मेंबर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के बाद वो कितने टाइम तक राज्यसभा में रह सकता है ऑफिस में, तो वो 6 ईयर्स तक रह सकते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है और उसके हेड को बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI, CJI को अपॉइंट कौन करता है, तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास और आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रेसिडेंट। नाउ वन मोटिवेशन लाइन फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं ये कहूँगी आप बहुत ही सिंसियर हो और ज़िंदगी में हमेशा मेहनत करते रहो, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, आज नहीं तो कल जो है मेहनत आपके ज़रूर काम आएगी। और यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को स्टार्ट किया है, कोई भी कोर्स आप सीख रहे हो या फिर आपने कोई स्किल नई सीखनी स्टार्ट की है, जिस डेडिकेशन से आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो उसी डेडिकेशन से आप उसको ख़त्म भी करो, किसी भी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, यही इम्पॉर्टेंट
एक लेसन है लाइफ का. अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ स्टार्ट करता है, उसे कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, तो उसका फ़ायदा हमेशा हमें मिलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, वेयर इज़ इंडिया सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड. तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया का, तो इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, यानी कि न्यू दिल्ली. नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द व्हील इन द ट्राई कलर हैज़. हमारे इंडियन फ्लैग के सेंटर में एक व्हील होता है, एक चक्र होता है, उसमें कितने स्पोक्स होते हैं, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, यानी कि 24 स्पोक्स. क्वेश्चन नंबर 28, द ओरिजिनल नेम ऑफ द इंडियाज नेशनल एंथम. हमारा जो नेशनल एंथम है उसका ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका थर्ड पार्ट है आंसर, भारत विधाता. क्वेश्चन नंबर 29, हु रोट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. तो नेशनल एंथम जो हमारा भारत विधाता है वो लिखा किसने है, तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, रविंद्रनाथ टैगोर. नाउ क्वेश्चन नंबर 30, हु सेट द ट्यून ऑफ द नेशनल एंथम. कि नेशनल एंथम की ट्यून यानी कंपोजर कौन है, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, राम सिंह ठाकुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 31, द प्लेइंग टाइम ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम. जो इंडियन नेशनल एंथम है हमारा वो कितने टाइम तक प्ले होता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट, 52 सेकेंड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज रिटन बाय. जो इंडिया का नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है वंदे मातरम, ये किसने लिखा है, तो इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, बंकिम चंद्र चैटर्जी. नाउ क्वेश्चन 33, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट. इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है. फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 फंडामेंटल राइट जो है वो रिटन है. इससे पहले 7 थे. इंदिरा गांधी की सरकार ने एक फंडामेंटल राइट जो था वो उसमें से डिलीट कर दिया था और उसको एक नॉर्मल लीगल राइट बना दिया था. तो इनमें से जो आंसर है वो है थर्ड पार्ट, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड. कौन से आर्टिकल के अंडर जो है राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया था, वो है आपका 44. तो फर्स्ट पार्ट आपका जो है इसका आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन. अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन. जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका नाम जो है हम अमेंडमेंट से डाल देते हैं कि फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट. तो ऐसे करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चेंजेस करते हैं. तो पहली बार जो है अमेंडमेंट यानी कि संशोधन संविधान में कब हुआ था, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, 1951. क्वेश्चन नंबर 36, अंडर विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था. सरकार ने बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं. तो अंडर विच आर्टिकल यानी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ऐड की गई थी, तो इसका आंसर है आपका सेकेंड पार्ट, यानी कि 42nd जो है अमेंडमेंट, इसके थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 37, वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 वाज रिड्यूस अंडर विच अमेंडमेंट. पहले जो वोट देने की एज थी वो 21 साल थी, सरकार ने इसको कम करकर 18 साल किया. तो ये जब चेंजेस किए गए, अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो ये कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, यानी कि 61st अमेंडमेंट. क्वेश्चन नंबर 38, एनी बिल मस्ट गेट द कंसेंट ऑफ. किसी भी टॉपिक पर अगर हम कानून बनाना चाहते हैं तो उसका पहले हम प्रस्ताव रखते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उसको हम बिल कहते हैं. तो बिल तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं होंगे, उसको कंसेंट नहीं मिलेगा. तो इस क्वेश्चन में वही पूछा हुआ है कि बिल को एक्ट बनाने में, कानून बनाने में किसके सिग्नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, यानी कि प्रेजिडेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेजिडेंट फॉर. अगर प्रेजिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है कोई भी रीज़न से, हो सकता है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, या फिर उनको इम्पीच कर दिया गया, या फिर उनकी डेथ हो गई है, और हमें पता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी सिग्नेचर्स हैं सब प्रेसिडेंट के होते हैं किसी भी बिल को एक्ट बनाने में. अगर वो पोस्ट खाली है तो वाइस प्रेसिडेंट जो है कुछ टाइम के लिए जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं. कितने टाइम के लिए, तो इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट, यानी कि 6 मंथ. 6 मंथ के बाद जो है दोबारा से इनडायरेक्ट इलेक्शन कर जो प्रेसिडेंट है उनको चूज़ करना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 40, आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर वॉज टेकन फ्रॉम.
फेडरेशन का मतलब होता है पावर को डिवाइड करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, बट यहाँ पर हमेशा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल रहेगी स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये जो आइडिया है फेडरेशन का, ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है और अपने संविधान में डाला है? तो इसका आंसर है फोर्थ पार्ट, यानी कि कैनेडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट वॉज टेकन फ्रॉम। हमारे यहाँ पर इंडिया में तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ सेंटर की सरकार कानून बना सकती है, जैसे कि फॉरेन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और एक होती है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों मिलकर जो है कानून बना सकते हैं, सेंटर की सरकार भी और स्टेट की सरकार भी, और एक होती है स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ स्टेट की सरकार कानून बना सकती है। जो कॉन्करेंट लिस्ट वाला हमने कॉन्सेप्ट है, ये कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है? इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटायर। तो प्रेसिडेंट जो है यानी राष्ट्रपति जो है उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, यानी कि नो एज बार। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं लिखी हुई है राष्ट्रपति की। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन डज द पीएम ऑफ इंडिया रिटायर, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं पीएम, उनकी रिटायरमेंट एज क्या है? तो यहाँ पे थर्ड पार्ट अगेन नो एज बार। प्रधानमंत्री की भी कोई रिटायरमेंट एज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है, वो जब तक चाहे जो है पीएम बन सकते हैं लोगों की मेजॉरिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो ये स्लोगन किसने दिया था? इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट, लाल बहादुर शास्त्री, जो इंडिया के सेकेंड पीएम थे, और इनके अकॉर्डिंग सोल्जर्स और फार्मर्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोल्जर्स हमारी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते हैं कंट्री की, और जो फार्मर्स होते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जय जवान जय किसान तो वही है, किसी एक पर्सन ने इसमें जय विज्ञान यानी साइंस को भी ऐड कर दिया। तो इसका आंसर है थर्ड पार्ट, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे पीएम थे 1998 में इंडिया के, जब उन्होंने ये नारा दिया था उसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया था पोखरण के अंदर। तो उन्होंने बताया कि साइंस भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ग्रो करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज इंडियन नेशनल फ्लैग कॉल्ड। हमारा जो इंडिया का नेशनल फ्लैग है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आंसर है फोर्थ पार्ट, यानी कि ट्राई कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ दीज इज नॉट अ रीजनल पार्टी। देखो दो तरीके की पार्टी होती है, एक नेशनल पार्टी जो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट होती है, और एक होती है रीजनल पार्टी जो सिर्फ एक क्षेत्र में प्रेजेंट होती है, एक रीजन में लोकल लेवल पर वर्क करती है। तो इनमें से हमें एग्जाम्पल पूछा गया कौन सी पार्टी है, तो इसका आंसर है सेकेंड पार्ट, यानी कि अकाली दल, जो कि पंजाब के अंदर प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हु गिव द स्लोगन जय हिंद। तो जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पोलिटिकल गुरु किस कौन थे जिनसे उन्होंने पोलिटिकल नॉलेज ली, पोलिटिकली इंस्पायर हुए? तो ये आंसर है आपका थर्ड पार्ट, गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, ये आपका लास्ट एमसीक्यू है, हाउ मेनी वुमेन पीएम हैज़ इंडिया प्रोड्यूस्ड। इंडिया में कितनी वुमेन प्रधानमंत्री रही हैं? तो इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कि वन, एक ही प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी, जो कि बनी थी 1966 में। इनका असैसिनेशन यानी उन्हें मरवाया गया था 1984 में। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं किसी और सब्जेक्ट की भी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर गोल्स, हैव अ नाइस डे।